आपने साउथ में बहुत बार सुना होगा अयप्पा। अयप्पा जो शब्द है साउथ में बहुत चलता है, और ऐसा कोई भारत में व्यक्ति नहीं है जो टीवी वगैरह पे या नेट पे या कभी ना कभी अयप्पा के बारे में ना सुना हो। अयप्पा में जो अया है वो पाली का शब्द है, पाली का शब्द है। बेसिकली आपने सुना होगा जो खास तौर से जो ब्रिजवासी यानी विजवासी जो लोग हैं अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, दिल्ली के इस साइड के, जिसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, यहाँ पे एक भाषा चलती है जिसमें कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे यहाँ आओ, अरे सुनो बात को, अरे क्या किया। या जो दो महिलाएं बात करती हैं वो बड़े प्यार से कहती हैं, अरे हमने तो तुमको ऐसा कहा था, अरे तुम तो सुना नहीं, अरे तुम तो आई नहीं, अरे तुम तो बहुत बनती हो, अरे तुम तो हमारी बात अब मानती नहीं हो, अरे तुम तो उसको ऐसे किया। ये जो अया है और जो अय शब्द है, ये शब्द पाली के दोनों शब्द हैं। जो अरे अरे और अय बना है ये वही है, यानी कि जो अय है उसको अरे बना दिया है और जो अया है उसको अय बना दिया है। अरे का मतलब होता है, अय का मतलब होता है स्वामी, यानी कि लॉर्ड या घर का मालिक, उसको अय बोलते हैं। और अय बड़ा सम्मानजनक शब्द है, जैसे मिस्टर या मिलॉर्ड या लॉर्ड या क्या बोलते मास्टर या जो स्वामी, इस तरह से बोला जाता है। ये अय है जो बाद में अरे बन गया। और जो घर की स्वामिनी होती है, मालकिन होती है, मिस्ट्रेस होती है, उसको बोला जाता है अया, जो बाद में अय बना। तो अया जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है, अय भी है। बाद में इनको आर्य और आर्या भी कहने लगे, यानी जो स्वामी है उसको आर्य कहने लगे आज की भाषा में, और जो संस्कृत भाषा बाद में बनी पाली से, और जो घर की स्वामिनी है उसको आर्या कहने लगे, यानी आर्या महिलाओं के लिए और आर्य पुरुषों के लिए कहने लगे। ये पाली के शब्द हैं। पाली के जितने भी शब्द हैं आज तक एक भी शब्द गायब नहीं हुआ, ना ही एक भी शब्द कहीं खोया है, ना ही मरा। सारे के सारे, चूंकि भाषाएं लगातार चेंज होती रहती हैं, जो जीवित भाषाएं होती हैं वो सारी की सारी कभी नहीं मरती, वो एक्सपेंड होती हैं, बढ़ती हैं। और जो उसमें बोलने में जिन शब्दों की कठिनता आती है वो शब्द धीरे धीरे लोग अपने हिसाब से उनको ढाल के और भाषा क्षेत्र के हिसाब से और जगह जगह के हिसाब से वो बदलते जाते हैं। कुछ शब्द प्रमुख कहीं हो जाते हैं, कुछ शब्द कहीं प्रमुख हो जाते हैं। भाषा जीवित रहती है, सिर्फ उसको देखने के लिए एक अच्छा चश्मा चाहिए। अगर एक अच्छा चश्मा है तो आप किसी भी भाषा को निकाल सकते हैं। पाली तो बहुत ईजी है, उसको तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी हिंदी ही पाली है। धन्यवाद।